नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी ये क्लिप है, इसे थोड़ी सी मोटिवेशनल भी होने वाली है। इसमें थोड़ी सी मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ। दरअसल होता क्या है कि जो हमारे समाज में जो लोग होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जो मानते हैं कि अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा, और कुछ इस बात को नहीं मानते। लेकिन जो नहीं मानते हैं उनके साथ भी कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आता है कि अगर वो किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो उनके साथ भी कभी ना कभी बुरा जरूर होगा। और जिसके साथ बुरा होता है, अगर वो किसी कमज़ोर पक्ष से है, तो हमारा समाज क्या करता है कि सामाजिक उल्हाने उसको दे करके उसकी बात को दबा दिया जाता है। लेकिन जिसके साथ बुरा होता है वो एक बात का इंतजार जरूर करता है कि जब भी तेरे साथ बुरा होगा तो मैं भी देखूंगा या देखूंगी कि तुझ पर इस बात का असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये समाज जब तेरा साथ देगा या नहीं देगा। दोस्तों, इसी में एक छोटी सी एक कहानी है जो कि एक रियल स्टोरी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक जरूर कर दें, और बाद में वीडियो जिसको भी अच्छी लगे वो वीडियो को शेयर जरूर ही कर देना। चलिए हम बात कर लेते हैं कि वो रियल स्टोरी कौन सी है जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये जो हमारी स्टोरी है, इसमें जो मुख्य भूमिका में है वो एक लड़की है जिसका नाम है मनीषा चौधरी। 12th कक्षा की वो छात्रा है और वो डेली अपने गांव से पैदल चलकर स्कूल जाती है। लेकिन जब वो स्कूल जाती है तो उसको एक गांव से होकर के पैदल निकलना पड़ता है, तो उसका डेली का आना जाना वहाँ से है। तो उस गाँव में कुछ लड़के हैं जो कि उसको परेशान करते हैं। तो जो लड़की है वो मनीषा चौधरी, वो इस बात को काफ़ी दिन से सहन कर रही थी, इग्नोर कर रही थी। लेकिन बात जब हद से ज़्यादा बढ़ गई थी तो उस लड़की ने उनके खिलाफ थोड़ी आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाने का मतलब यह था कि अपने घर में बताया, या अपने घर के जो परिजन थे सबको बताया। तो जब उन्होंने इस बात का ऑब्जेक्शन किया, तो आप सभी को पता है कि जब कोई ऐसी बात होती है तो जो गाँव के जो लोग होते हैं वो हमेशा इस बात को दबाने की कोशिश करते हैं, और जो बहाने लगाते हैं कि इसमें कि तेरे लड़के की बेइज्जती होगी, या तेरे घर की बेइज्जती होगी, या तुम्हारे गांव की बेइज्जती हो जाएगी, तो कुछ इस तरीके से वो बहाने लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो वो पक्ष होता है, कमज़ोर पक्ष होता है, उसको दबा दिया जाए और बात को वहीं पर दबा दिया जाए। तो यही सेम बिल्कुल मनीषा चौधरी के साथ हुआ। उसने आवाज़ तो उठाई थी लेकिन जो गाँव के लोग थे उन्होंने उसकी बात को दबा दिया। वो बात तो दब गई थी, लेकिन जो लड़की थी वो मनीषा चौधरी, उसने एक बात सोच ली थी कि अपने दिमाग में उसने सोच लिया था कि जब भी कभी ऐसा तुम्हारे साथ होगा तो मैं भी देखूंगी कि आप समाज जो है आपके साथ खड़ा होता है, आपके बात को भी दबा दिया जाएगा, या आपको कैसा महसूस होगा उस समय पर। और उसने तभी एक बात और अपने मन में ठान ली थी कि कुछ पढ़ लिख कर कुछ ऐसा बनना है कि आज के बाद जो ऐसे जो लोग हैं ये कभी परेशान ना कर पाए। तो इसी बीच में कुछ वर्षों का समय निकल जाता है। तो होता क्या है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और वो लगातार एक कोतवाली के चक्कर लगा रहे हैं, और चक्कर लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं कि कोतवाली में जो उनका जो केस है, जो उनकी समस्या है, उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। और जो उनकी समस्या है वो समस्या ये है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनकी एक लड़की थी जिसका कि रेप किया गया था शादी का झांसा दे करके कि आपसे शादी कर ली जाएगी, और इस तरीके से उसका रेप किया गया था। तो जो उसकी बात थी वो कोतवाली में सुनवाई नहीं हो रही थी। वो इसलिए नहीं हो रही थी कि जो लड़का था जो रेप का दोषी था, वो लड़का जो था वो पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता था, मतलब जो उसकी फैमिली थी वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत फैमिली थी। तो इसी वजह से जो कोतवाली थी उसमें उसकी बातों को सुनने वाला नहीं था। तो जब वो इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा तंग आ गया और उसकी कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही थी, तो उस दिन एक दिन उसने जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसने प्लान बनाया कि वो कोतवाली के बाहर ही खुद को आग जलाकर आत्महत्या कर लेगा। तो उसने कोशिश भी करी लेकिन वो आत्महत्या नहीं कर पाया, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं, तो पुलिस वालों ने उस व्यक्ति को रोक लिया। तो जब वो व्यक्ति रो रहा था, अपनी बात बता रहा था, तो उसको फिर पुलिस वालों ले जाकर जो वहाँ पे जो एसपी थे उनके सामने पेश किया गया। तो दोस्तों, जब उस व्यक्ति को पेश किया गया था तो
व्यक्ति पहले ही जो तेल में भीगा हुआ था, वो मिट्टी का तेल हो या पेट्रोल कुछ भी हो, उसमें भीगा हुआ था, लेकिन जैसे ही वहाँ पे वो खड़ा हुआ था तो एक तरीके से वो भीग गया था, जिसको बोलते हैं कि शर्म से भीग गया। वो ऐसा हुआ कि जब उसको अंदर पेश किया गया एसपी के सामने, तो उसने देखा कि जो एसपी की जो कुर्सी पर बैठा था वो वही लड़की थी जिस लड़की को उस बुजुर्ग आदमी जो है उसका लड़का छेड़ता था। मतलब जो वो मनीषा चौधरी थी वो एसपी की कुर्सी पर बैठी हुई थी, और जो लड़के उसको उस गांव में छेड़ते थे जब वो 12th क्लास में थी, उनमें से एक लड़का उस बुजुर्ग व्यक्ति का भी था, जो कि आज अपनी लड़की को लेकर के धक्के खा रहा था कोतवाली के, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। तो जब बुजुर्ग व्यक्ति ने देखा तो वो कुछ नहीं बोल पाया। मनीषा चौधरी बोली कि बताइए, अब आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समाज ने आपको कोई फैसला नहीं कराया क्या? आपके बात को दबाया नहीं? आपको समाज का उलाहना नहीं दिया क्या? तो या आपने समझौता नहीं करा अपनी बेटी की इज्जत के साथ में? तो मतलब दो बातों से ही उस व्यक्ति को इतना भिगो दिया था कि वो व्यक्ति वहाँ पे खड़े खड़े उसको चक्कर आ गए थे और वो गिर गया था। वो अपनी एक भी बात नहीं रख पाया एसपी के सामने, और वो इतना ही शर्म से डूब गया था क्योंकि उसको सारी बातें याद आ गई थी कि ऐसा ही तेरे बेटे ने एक दिन इस लड़की के साथ में किया था जो कि आज तेरी बेटी के साथ में हो रहा है। तो इसके बाद में जो एसपी हैं उन्होंने अपनी पूरी कार्रवाई की थी, कानूनी कार्रवाई जो भी होती है, उस लड़के को सजा भी दिलाई थी जो उस चीज़ का दोषी था, बिल्कुल निष्पक्ष इसमें कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन जो वो बुजुर्ग व्यक्ति था, आप समझ सकते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहा होगा, और जो एसपी थी उसकी फीलिंग भी आप समझ रहे होंगे कि उसको इस बात पर कितना गर्व हुआ होगा कि आज वो ऐसी जगह पर है कि जो उसके साथ हुआ है वो आज किसी और के साथ होने से बचा रही है, या वो ये भी सोच रही होगी कि एक दिन इसी व्यक्ति ने तेरे साथ जो हुआ था उसको दबाने की कोशिश करी थी और आज इसी को ऐसा ही देखने को मिल गया, क्योंकि उसने बहुत दिन पहले सोचा था कि जब तेरे साथ ऐसा होगा तो मैं देखूंगी कि तू क्या करता है। तो बिल्कुल उसको वो मौका मिल गया था देखने के लिए कि जब उसके साथ कुछ हो रहा था कि वो कुछ क्या कर रहा है, और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर भी जो एक तरीके से जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो उसका दोषी ही था, मनीषा चौधरी जो है उनका दोषी ही था, लेकिन फिर भी मनीषा चौधरी ने उस व्यक्ति की मदद की। तो दोस्तों इस स्टोरी से सिर्फ मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई काम करते हैं तो उससे पहले ये जरूर सोच लें कि आप अगर किसी साथ गलत काम कर रहे हैं तो आपके घर में भी लेडीज हैं, आपके बहन बेटी हैं, सब कुछ हैं। आप अगर आज किसी के साथ में कुछ ऐसा गलत काम कर रहे हैं तो कल आपके घर के भी कुछ लेडीज हैं जो घर से बाहर जाती हैं, पढ़ने जाती हैं, उनके साथ भी कुछ गलत काम हो सकता है। या अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो सोचें कि जो जिसके साथ वो बुरा काम हुआ है तो उसके परिवार पर या उस लड़के पर कितना बुरा उसका असर हो रहा होगा। तो दोस्तों बस मैं कहना यही चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि किसी भी परिवार को दुख झेलना पड़े, या कोई भी ऐसा काम ना करें कि जो कि तुमको अपने लिए पसंद ना हो। आप दूसरे साथ बुरा व्यवहार करेंगे लेकिन आपको वो अपने लिए पसंद नहीं होगा, तो सपोज करें कि जब आपके साथ होगा तो आपको कैसा महसूस होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा था। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सभी के साथ शेयर जरूर कर देना, और जो भी चैनल पर पहली बार नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना।